वक्त बदल चुका है। हमारे किसान को भी, हमें कृषि बाजार को भी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा। मोदी सरकार ने देश की पहली कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। हमारा पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए चल रहा है। इस नीति का मकसद 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात 60 अरब डॉलर करना है, ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। हमारे देश का किसान भी विश्व बाजार के अंदर ताकत के साथ खड़ा रहे। देश के कुल कृषि निर्यात में चावल, समुद्री उत्पाद और गोश्त जैसे तीन ही उत्पादों का योगदान 52% है। मोदी सरकार इसमें विविधता लाने की दिशा में काम कर रही है। लक्ष्य लेकर के चले हैं और हम मक्खन पे लकीर करने की आदत वाले नहीं हैं, हम पत्थर पर लकीर करने की स्वभाव वाले हैं। इस नीति के तहत सरकार निर्यात में अब जैविक, नस्ली और देसी उत्पादों को प्रमुखता से प्रोत्साहन करेगी। प्याज जैसे घरेलू जरूरतों के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को छोड़कर सभी जैविक और प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है। यही नहीं, इसमें ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमन को बेहतर बनाना और शोध व विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। अगले कुछ सालों में सरकार का लक्ष्य 100 अरब डॉलर के निर्यात का है। जाहिर है, सरकार की इस नीति से एक ओर जहां कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, तो साथ ही साथ देश के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।